हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मैं होगा अपना रूम में मॉडिफाइड। सो गाइस, जो उसकी जो पहले वाली जो टेलाइट थी, वो हमने जो उसकी टेलाइट लगाई थी, वो अभी हमने उतार दी है। तो जो उसकी अपनी जो इसकी खुद की जो 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 टेलाइट है, वो भैया ने इसको उतार दी, क्योंकि जो इनको जो जो पहले वाला जो लाइट थी वो उनको पसंद नहीं आई है। सो गाइस, जो इनकी पहले वाली जो लाइट थी, ये उन्होंने फिर से दोबारा वही वाला उसकी ब्रैकेट है पिच वाली, इन्होंने लाई है। लेट्स सी, अब ये वाला देख सकते हैं, क्योंकि जो उसकी ये वाली इनके अपने वाले ब्रैकेट है, जो ये फिर से बॉडी में इनको गाड़ी में इंस्टॉल करवाने वाले हैं। और भैया ने साथ में इंडिकेटर भी लाए हैं। इंडिकेटर आप देख सकते हो, इंडिकेटर लाइट है। और जो आगे वाला जो उसका पोर्शन, जैसे साइड वाला, क्योंकि ये तो मॉन्स्टर ड्राइविंग लग रहा है पूरा। सो जो उसके जो साइड वाला ये पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो उसके होल हैं, यहाँ पे जो ये वाला इंडिकेटर है, ये यहाँ पे पूरा इसी तरह से हट बैठ जाएगा, जिसका राउंडली जो ये वाला पूरा सिस्टम है, ये पूरा ओके रिपोर्ट हो जाएगा पूरा इसी तरह से। कुछ इससे सीन है पूरा, ये इस तरह से सारा सेट बैठ जाएगा। तो बस अभी तो जैसे अभी तो फिल लाइट वगैरह कुछ फिट नहीं हुई है, अब तो कुछ इस तरह से लग रही है। तो जो इसका भी जो गाड़ी का जो वर्क है, वो भी स्टार्ट हो गया। तो जो जो सीट वगैरह ये सारी खोल दी है, जो अंदर से नट है, इसके सारे नट अंदर से सारे क्लिप होएंगे अंदर से सारे। तो यहाँ से दो तीन चार जितने बोल्ट सारे इसको लगेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। सुबह से ये सीन है कि जम्मू में तो कुंदन ऑटो करके ये वाली सामने वाली शॉप है, आप देख सकते हो। तो हमारे जो भी जितने भी भाई जम्मू के जो जो भी राइडर्स हैं, और किस जिस मर्जी को भी यहाँ पे अगर काम कराना हो, तो भाई के पास आके इनकी शॉप पे आके काम करा सकते हैं। कुंदन ऑटो गैरेज, कुंदन ऑटो गैरेज करके इनकी शॉप का नाम है। और काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं, और काम भी अच्छा इफेक्टिवल करते हैं काम ये। आई होप अगर जम्मू में अगर आप आओ, तो इनकी शॉप पे अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोई काम कराना हो, तो आगे आप काम करवा सकते हो। सुबह सभी आप देख सकते हो, जो अभी इसकी इंडिकेटर की फिटिंग है, देखो कितने सही तरीके से काम रहा है। यहाँ पर दो पत्तियाँ लगाई, उन्होंने पूरी जो शेप के हिसाब से पूरी सेट कर दी इन्होंने। ओहो, सुबह जो हमारे जो इसके टेलर के जो नट थे, ये अभी फिटिंग हो चुके हैं। अब इसके खाली इंडिकेटर के जो कनेक्शन है, खाली वो करना है खाली। सो गाइस, जो इसके लुकिंग मिरर हैं ZX10R और निंजा के, वो भी इसके ऊपर हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी खाली इसकी जो वायरिंग है, इसके साइड में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा एक होल किया हुआ है, जो जो ये वायरिंग है, यहाँ से सीधे इसको इंस्टॉल करके इंडिकेटर की जो वायरिंग है, उसके साथ इसको हम जोड़ देंगे इसको। उसकी जो फिटिंग है, वो तो हो चुकी है। और भाई, जो हमारे साइड वाले इंडिकेटर है, ये पूरे जो उसका होल है, होल के बीच में पूरे सही तरह से फिक्स हो चुके हैं। जब चलेंगे तो साइड से जो उसकी लुक है, वो डिजास्टर लगने वाली लुक है साइड से।